नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द एग्री हैक। आज का हमारा टॉपिक है मिर्च की फसल में ज़्यादा उपज देने वाली कौन कौन सी किस्में हैं। हमने इस वीडियो में ऐसी 7 किस्मों का चयन किया हुआ है जो अधिक उपज के साथ वायरस फ्री भी है। तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो नीचे दिए गए हुए लाल कलर के सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला आइकॉन दबा दीजिए। तो फिर बिना देर गवाए हम शुरू करते हैं। तो फिर 7 नंबर पे आती है हमारी वीएनआर सीड्स की 10 सुनिधि। वीएनआर G878 नाम से जो बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसके अगर तीखापन के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है, और उसके अगर कलर के बारे में बात की जाए तो ब्राइट डार्क ग्रीन कलर में आती है। और उसकी जो लंबाई रहती है मिर्च की 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और उसकी जो पहली हार्वेस्टिंग मीन्स पहला ईल्ड 55 से 60 दिन बाद पहली उसकी तुड़ाई होती है। और अगर अपन ने उसकी उपज यानी ईल्ड के बारे में बात की तो 21 से 24 टन इसकी ईल्ड निकलती है। इसके बाद अपने आती है बलराम, द यूनाइटेड जेनेटिक्स की बलराम 5907। अगर उसके अपन ने तीखापन के बारे में बात किया जाए तो वो मीडियम तीखी होती है। और उसकी कलर के बारे में बात की जाए तो लाइट ग्रीन कलर में होती है। और उसकी जो मिर्च की लंबाई होती है 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। और उसकी जो पहली तुड़ाई 60 से 65 दिन बाद पहली तुड़ाई होती है। और उसका जो उपज निकलता है वो 22 से 24 टन पर एकड़ निकलता है। और इसके बाद 5 नंबर पे आती है अपनी नॉन जीओड सीड्स की ज्वेलरी, जो बहुत ही तीखेपन के लिए जानी जाती है और लाइट ग्रीन कलर के लिए भी। और उसकी जो लंबाई रहती है 14 से 16 सेंटीमीटर। और जो 50 से 55 दिन बाद उसकी पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। वो अर्ली मैच्योर वैरायटी है अपनी। और इसकी अगर उपज की बात करें जाए तो 20 से 22 टन पर एकड़ इसकी उपज निकलती है। और इसके बाद आती है हमारी द नेत्रा सीड्स की अनुष्का। उसके अगर अपन ने तीखेपन के लिए बात की जाए तो मीडियम टू हाई उसका तीखापन होता है। और उसके कलर के बारे में बात की जाए तो डार्क ग्रीन कलर में आती है। और उसकी जो अगर लंबाई की बात की जाए तो 18 से 19 सेंटीमीटर उसकी लंबाई रहती है। और उसकी हार्वेस्टिंग 60 से 65 दिन बाद पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। और उसके अगर अपन ने ईल्ड के बारे में बात की जाए तो 23 से 25 टन पर एकड़ इसकी पहली ईल्ड निकलती है। और इसके बाद 3 नंबर पर आती है अपनी कलश सीड्स की अग्निज्वाला, जो BSS 954 नाम से बाज़ार में प्रचलित है। और उसका अगर तीखापन के बारे में बात की जाए तो मीडियम तीखापन होता है उसमें। और उसके अगर कलर के बारे में बात की जाए तो लाइट ग्रीन कलर में आती है। और उसके जो लेंथ के बारे में बात की जाए तो 14 से 16 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और उसकी जो हार्वेस्टिंग है 55 से 60 दिन बाद पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। और अगर उसकी ईल्ड के बारे में बात की जाए 18 से 20 टन पर एकड़ उसकी ईल्ड आती है। और इसके अपने दो नंबर अब इसके बाद दो नंबर पे आती है महिको सीड्स की तेजापुर, जो MHCP 310 नाम से बाज़ार में प्रचलित है। और अगर इसकी पंजेंसी के लिए की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई पंजेंसी मीन्स बहुत तीखी होती है। और इसकी कलर के बारे में बात की जाए तो वो डार्क ग्रीन कलर में आती है। और उसकी जर अगर लेंथ के बारे में बात की जाए तो 5 से 6 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। और उसकी जो हार्वेस्टिंग है 55 से 60 दिन बाद चालू हो जाती है। और ईल्ड के बारे में बोलेंगे तो 15 से 18 टन पर एकड़ इसकी ईल्ड निकलती है। और इसके बाद हमारी द मोस्ट पॉपुलर एंड द न्यू G4 सेगमेंट वायरस फ्री है वैरायटी है, जो है AK47। उसके नाम में ही दहशत है। तो फिर उसको देखते हैं द एडवांटा सीड्स की AK47। उसकी जो अगर पंजन से देखें तो जो अपनी महिको सीड्स की तेजापुर है उससे 2 गुना ज़्यादा तीखी है ये AK47। अगर इसके कलर के बारे में बात की जाए तो डार्क ग्रीन कलर में आती है। और उसकी जो लंबाई की बात की जाए तो 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आती है। अगर हार्वेस्टिंग मीन्स तुड़ाई की बात की जाए तो 50 से 60 दिन बाद इसकी पहली तुड़ाई चालू हो जाती है। और इसकी टोटल 22 से 24 टन पर एकड़ इसकी तुड़ाई निकलती है। ये हमने जो भी ये जो 7 वैरायटी आपको बताई है जो फार्मर और बाज़ार की मांग की डिमांड से ही हमने ये वैरायटी का चयन किया है। तो फिर आप भी इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।